morning, everyone. I hope you all are well at your home. Again, all of you are welcome to 11th Physics online class. Myself, Anand Saxena, PGT Physics. So we start next topics of Chapter 2, Units and Measurement. Accuracy. The closeness of the measured value to the true value of the physical quantity is known as the accuracy of the measurement. हम जब किसी physical quantity का measurement करते हैं, तो वो measurement proper नहीं हो पाता है. लेकिन अगर किसी physical quantity का measurement जो given value है, जो true value है, उसके नजदीक जितना नजदीक measurement होगा, उतने ही उस physical quantity के measurement में एक्यूरेसी ज्यादा होगी. सपोज कीजिए कि कोई लेंथ है जिसकी वैल्यू गिवन है 2.856 सेंटीमीटर. अब हम ये वैल्यू मेजरमेंट करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं मेजरमेंट करने में कुछ हल्की फुल्की एरर होगी. लेकिन एरर जितनी माइनर होगी, यानी हमारे द्वारा मेजर्ड वैल्यू गिवन वैल्यू के जितने ज्यादा नजदीक होगी, उतनी ही एक्यूरेसी ज्यादा होगी. नेक्स्ट टॉपिक एरर. द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी. जैसा मैंने अभी बताया कि किसी फिजिकल क्वांटिटी की कोई वैल्यू गिवन है जिसे हमने ट्रू वैल्यू माना, ठीक है ना. अब हम उस फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट से. लेकिन जब मेजरमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो आंसर होगा, हमारी जो मेजर्ड वैल्यू होगी, वो ट्रू वैल्यू से कम होगी या ज्यादा होगी. यानी ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को जब हम डिफरेंस करेंगे तो जो आंसर आएगा उसे हम एरर बोलेंगे. जैसे अभी मैंने कहा कि कोई लेंथ 2.856 सेंटीमीटर गिवन है और हमारे द्वारा जो वैल्यू मेजर की गई वो सपोज कीजिए 2.800 सेंटीमीटर है. तो जब हम इसमें से इसको लेस करेंगे, यानी ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को लेस करेंगे, तो हमारा आंसर आ रहा है 0.056 सेंटीमीटर. ये उस फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में एरर होगी. सो एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी. टाइप्स ऑफ एरर. एरर्स आर ऑफ 3 टाइप्स. नंबर 1 सिस्टमैटिक एरर्स, नंबर 2 रैंडम एरर्स, नंबर 3 लीस्ट काउंट एरर्स. इन्हीं एरर्स की वजह से जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट करते हैं तो उस मेजरमेंट में एरर पॉसिबल है. नंबर 1 सिस्टमैटिक एरर्स. सिस्टमैटिक एरर्स आर ऑफ 4 टाइप्स. सिस्टमैटिक एरर भी 4 तरीके की होती है. नंबर 1 इंस्ट्रूमेंटल एरर्स. द एरर्स कॉज्ड ड्यू टू द फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट्स आर नोन एज इंस्ट्रूमेंटल एरर्स. कई बार हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में, उस इंस्ट्रूमेंट में भी एरर होती है. फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी लेंथ का मेजरमेंट मीटर स्केल की हेल्प से करते हैं, तो रियल में जो 1 मीटर है वो प्लेटिनम और इरिडियम मिक्स मेटल की रॉड पर 2 साइन है जिनके मिडिल की डिस्टेंस एट द 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इक्वल होती है 1 मीटर. लेकिन हम जिस मीटर का यूज करते हैं वो प्लेटिनम इरिडियम की नहीं है और उस पर 2 साइन भी नहीं है, और मेजरमेंट करते समय हमारा जो टेम्परेचर है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है. ठीक इसी तरह वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज के यूज में भी कहीं न कहीं एरर होती है. यानी वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज जो इंस्ट्रूमेंट है उनमें भी एरर पॉसिबल है. नंबर 2 पर्सनल एरर्स. द एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ड्यू टू द लिमिटेशंस
or carelessness of an observer are known as personal error. कई बार हमारी खुद की carelessness की वजह से भी measurement में error संभव है. जैसे कई बार हम किसी physical quantity को जो calculate करते हैं, जो count करते हैं, वो तो सही करते हैं, लेकिन note करते समय हमसे गलती हो जाती है. Multiple division, add, subtract में भी कई बार हमारी carelessness की वजह से गलती हो जाती है. तो इस तरह measurement में personal error भी possible है. Number 3, natural errors. The errors arising due to the change in the conditions of the environment are known as natural errors. हमारी जो environment है, उनकी conditions में भी change आता है. For example, pressure, temperature, atmosphere, इसकी वजह से भी किसी physical quantity के measurement में error possible है. Number D, imperfection in experimental technique or procedure. The errors in the measurement also arise due to imperfect technique or procedure used for the measurement of a physical quantity. जब हम किसी physical quantity का measurement करते हैं, तो measurement करने की क्या technique है, क्या प्रोसीजर है, इस बात पर भी एरर डिपेंड करती है. अगर हमारी टेक्निक और प्रोसीजर रॉन्ग है, तो मेजरमेंट में एरर कंपलसरी होगी. नंबर 2, रैंडम एरर्स. रैंडम एरर्स इज सेड टू अकर इफ ए पर्सन मेजरिंग ए फिजिकल क्वांटिटी नंबर ऑफ टाइम्स एंड ही गेट्स different values of the physical quantity every times. Random error को समझने के लिए हम कुछ ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए किसी room की length का हमें measurement करना है, और room की length का measurement हमने more than times किया, तो more than times करने पर जो length calculate होके आती है, उसमें हल्का फुल्का variation होता है. तो ये जो वेरिएशन है, ये रैंडम एरर को शो कर रहा है. फर्स्ट टाइम लेंथ का मैग्नीट्यूड कुछ और था, सेकंड टाइम जो मैग्नीट्यूड लेंथ का आया, उसमें हल्का फुल्का डिफरेंस आ गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर. तो ऐसी कंडीशन में हम मोर देन टाइम्स के मेजरमेंट को ऐड करेंगे, और उसके बाद जितनी बार हमने उसका मेजरमेंट किया है, उसका डिवाइडेशन करेंगे, यानी मीन वैल्यू निकालेंगे, तो जो आंसर आएगा वो परफेक्ट वैल्यू के काफी नजदीक होगा. लेट x1, x2, so on xn be the absorbed value, observed values of a physical quantity during several n measurements. हमने सपोज कीजिए किसी लेंथ का मेजरमेंट n टाइम्स किया, और वो मेजरमेंट x1, x2, so on xn आया. Therefore the best possible value, उस समय जो best possible value होगी of the physical quantity is, तो हमें मीन निकालना पड़ेगा. x bar और x mean is equals to x1 plus x2 plus so on xn divided by n, और x bar is equals to 1 upon n summation xi, here I is equals to 1 to n. Number 3, least count errors. The minimum value that can be measured by a measuring instrument is known as least count of the measuring instrument. The least count error is the error associated with the resolution of the measuring instruments. जो हमारे instrument होते हैं, उस किसी particular instrument से जो minimum value का हम measurement करते हैं, उसे उस instrument का least count बोलते हैं. जैसे for example, हमारे पास जो स्केल होती है, उससे मिनिमम हम 0.1 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं, और अगर हम स्क्रू गेज
और वर्नियर कैलिपर्स का यूज करें तो वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से 0.01 सेंटीमीटर और स्क्रू गेज से 0.001 सेंटीमीटर डिस्टेंस मिनिमम मेजर कर सकते हैं। तो स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेंटीमीटर, वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर और स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए किसी बच्चे के पास एक स्केल है और उस बच्चे से कहा गया 15.72 सेंटीमीटर का मेजरमेंट करें, तो बच्चे के पास जब स्केल है और उसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है तो वो बच्चा 15.7 सेंटीमीटर मेजर कर पाएगा, कुल मिलाकर के 0.02 सेंटीमीटर की एरर कंपलसरी होगी होगी। अब इसी तरह वर्नियर कैलिपर्स का यूज करेंगे तो हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट का मेजरमेंट कर सकते हैं, स्क्रू गेज के यूज करने से पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक मेजरमेंट कर सकते हैं। कहीं न कहीं किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं एक्यूरेसी के हम नजदीक हो सकते हैं, लेकिन 100% एक्यूरेसी पॉसिबल नहीं है। मेजरमेंट में एरर कंपलसरी है, एरर को डिक्रीज किया जा सकता है लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। एब्सोल्यूट एरर ऑफ ए गिवन वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू और एंड मीन वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी अंडर कंसिडरेशन, इट्स डिनोटेड बाई डेल्टा एक्स। जो एब्सोल्यूट एरर है वो डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड मीन वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू और मीन वैल्यू का जो डिफरेंस है इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर डिनोटेड बाई डेल्टा एक्स। सो एब्सोल्यूट एरर्स डेल्टा एक्स वन इज इक्वल टू एक्स वन माइनस एक्स बार, डेल्टा एक्स टू इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स बार एंड सो ऑन, डेल्टा एक्स एन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एक्स बार। Here x1, x2, so on xn is the measurement of different times values. Delta x may be positive or negative. जो absolute error है delta x वो positive और negative हो सकती है. However, the magnitude of mod delta x is always positive. लेकिन जो डेल्टा एक्स मॉड वैल्यू है, यानी जब हम एब्सोल्यूट एरर का आगे किसी कैलकुलेशन में यूज करेंगे तो मॉड डेल्टा एक्स को ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू यूज करेंगे, चाहे भले ही डेल्टा एक्स की वैल्यू निगेटिव आई हो। मीन एब्सोल्यूट एरर, द अर्थमेटिक्स मीन और एवरेज ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स of the measurement is called mean absolute error. It's denoted by delta x bar. So delta x bar is equal to mod delta x1 plus mod delta x2 plus so on plus mod delta xn divided by n. Or mod delta x, yani mean absolute error is equal to 1 by n summation डेल्टा एक्स आई मॉड, हियर आई इज इक्वल टू 1 to n, यानी जो मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल रहे हैं तो मीन वैल्यू 1 वैल्यू हो सकती है और n वैल्यू हो सकती है। रिलेटिव एरर, द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड रिलेटिव एरर, इट्स डिनोटेड बाई डेल एक्स। यानी रिलेटिव एरर में द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू का जो रेशियो है इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर, व्हेन द रिलेटिव एरर इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, अगर हम रिलेटिव एरर को परसेंटेज में एक्सप्रेस्ड करें We call it percentage error. तो उस समय वो relative error percentage error होगी।
So percentage error is equals to delta x bar divided by x bar into 100%. Here delta x bar is mean absolute error and x bar is mean value. Question: the diameter of a thin wire is measured with screw gauge. एक कोई वायर है जिसके डायमीटर को स्क्रू गेज की हेल्प से मेजर किया. इन मेजरमेंट्स द वैल्यूज ऑफ डायमीटर ऑफ द वायर आर 2.04 मिलीमीटर, 2.06 मिलीमीटर, 2.08 मिलीमीटर, 2.07 मिलीमीटर एंड 2.05 मिलीमीटर. यानी उस वायर के डायमीटर को 5 टाइम्स मेजर किया और 5 टाइम्स हमारी जो मेजरमेंट की जो वैल्यू है वो डिफरेंट है. देन फाइंड एवरेज डायमीटर ऑफ वायर, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर हमें फाइंड आउट करना है. सॉल्यूशन, तो सबसे पहला एवरेज डायमीटर ऑफ वायर. तो एवरेज डायमीटर डी बार इज इक्वल टू जो 5 टाइम्स वैल्यू आई है उनको ऐड करके डिवाइडेड बाय 5 यानी मीन निकालेंगे. तो डी बार इज इक्वल टू 2.04 प्लस 2.06 प्लस 2.08 प्लस 2.07 प्लस 2.05 डिवाइडेड बाय 5. सो डी बार इज इक्वल टू इनको सम किया तो 10.30 डिवाइडेड बाय 5. सो एवरेज डायमीटर ऑफ वायर डी बार इज इक्वल टू 2.06 मिलीमीटर. अब नंबर दो एब्सोल्यूट एरर. एब्सोल्यूट एरर हमने बताया कि जो वैल्यू फाइंड आउट हुई है उसमें से हम मीन वैल्यू को माइनस कर देंगे. सो डेल्टा डी वन इज इक्वल टू पहली वैल्यू हमारी है 2.04 माइनस जो मीन वैल्यू आई 2.06 इज इक्वल टू माइनस 0.02 मिलीमीटर. डेल्टा डी टू सेकेंड वैल्यू है हमारी 2.06 माइनस मीन वैल्यू भी 2.06 इज इक्वल टू 0. डेल्टा डी थ्री थर्ड वैल्यू है हमारी 2.08 माइनस मीन वैल्यू 2.06 इज इक्वल टू पॉजिटिव 0.02 मिलीमीटर. डेल्टा डी फोर हमारी फोर्थ जो वैल्यू है वो 2.07 माइनस मीन वैल्यू है 2.06 इज इक्वल टू पॉजिटिव 0.01 मिलीमीटर. डेल्टा डी फाइव इज इक्वल टू फिफ्थ वैल्यू है 2.05 माइनस मीन वैल्यू है 2.06 तो हमारी वैल्यू आई माइनस 0.01 मिलीमीटर. थर्ड मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा डी बार इज इक्वल टू डेल्टा डी वन मॉड प्लस डेल्टा डी टू मॉड सो ऑन डेल्टा डी फाइव मॉड डिवाइडेड बाई 5. सो डेल्टा डी बार इज इक्वल टू वैल्यू पुट की 0.02 प्लस 0 प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.01 डिवाइडेड बाई 5. सो डेल्टा डी बार इज इक्वल टू इन सबका सम किया तो 0.06 डिवाइडेड बाई 5. सो डेल्टा डी बार यानी मीन एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू 0.012 मिलीमीटर. नेक्स्ट रिलेटिव एरर डेल डी इज इक्वल टू डेल्टा डी बार डिवाइडेड बाई डी बार यानी मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई मीन वैल्यू. सो डेल डी इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू है 0.012 डिवाइडेड बाई जो मीन वैल्यू हमने निकाली थी 2.06. जब इसको डिवाइड किया तो रिलेटिव एरर डेल डी इज इक्वल टू 0.0058. नेक्स्ट परसेंटेज एरर. तो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ द रिलेटिव एरर डेल्टा डी बार डिवाइडेड बाई डी बार इनटू 100%. तो जो हमारी रिलेटिव एरर है वो वैल्यू है 0.0058 इनटू 100%. तो रिलेटिव एरर का आंसर आया 0.58%. थैंक्स.